करो। अब एक स्त्री तुम्हारे सामने से गुजरी, अब ढोंगी नहीं होना है कि मैं स्त्री नहीं देखता, ये सब फालतू की बात है। एक थॉट आए कि अगर ये मेरे साथ हो जाए, मिल जाए। तुम्हारा दूसरा थॉट आया कि यार दुर्गा जी की तरह लग रही, कितनी सुंदर लग रही यार। अब वहीं पर आप कौन सा विचार पकड़ोगे ये आपका भविष्य निर्धारित करेगा। ध्यान तुम्हें इससे बाहर निकालेगा। ध्यान मतलब रोशनी, जहां भी तुम उलझोगे वो तुरंत ठोकेगा तुम्हें। भैया ये है ध्यान, तुम्हारे भाव को जो चेक करना तुम्हें सिखा दे। वो जो अदृश्य शक्ति है ना, जो सब कुछ चला रही है, उसको जो एक्टिवेट करना जान गया, देखो ध्यान तुम्हारी कैसे मदद करेगा। आशीर्वाद एक बड़ी शक्तिशाली चीज है। बैठो बैठो बैठो, सुनो, उसका जो जादू है ना, तुम सोचो अगर तुम यूनिवर्स को पढ़ो, इस धरती को किसी ने सहारा दे रखा है? नहीं। सिर्फ अपनी गैलेक्सी में 400 मिलियन स्टार है अपनी, फिर बगल के एंड्रोमीडा, ऐसी न जाने कितनी लाखों गैलेक्सियां हैं। डार्क मैटर आज तक साइंस जान ही नहीं पाया कि क्या है। तो एक हिडन फोर्स है दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में। तो वो जो अदृश्य शक्ति है ना, जो सब कुछ चला रही है, उसको जो एक्टिवेट करना जान गया। देखो पीछे गांधी जी की फोटो लगी, बुद्ध की फोटो लगी, डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगी, इन लोगों ने उस अदृश्य शक्ति को पकड़ लिया है। तो हमारे ही जैसे लोग ना, और सारा काम शक्ति पे चलता है सब। मजदूर कौन है जिसके पास शक्ति नहीं है, मतलब जो अपनी शक्ति को कनेक्ट नहीं कर पाया, एक्टिवेट नहीं कर पाया, वो मजदूर है। वरना ऐसे ऐसे लोग हैं अभी धरती पर जो शायद स्कूल नहीं गए, कभी पढ़े नहीं, लेकिन बहुत पैसा है, कोई भी धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। राजस्थान गुजरात के मारवाड़ी हैं। सी प्लस सी, ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है मन का। जब तुम कोई काम शुरू करते हो, जैसे मान लो साइकिल चलाना तुमने सीखना शुरू किया, तो जब तक तुम कोई चीज सीखते हो तो तुम्हारा चित्त वहीं पे रहता है। ये चित्त है, पहले सी का मतलब है चित्त। ये बड़ा डेंजरस फॉर्मूला है। और जहां चित्त है वही चैतन्य है। इसलिए किसी काम की अगर क्वालिटी बढ़ानी है तो तुम बस ये दिमाग देखो कि उसमें चित लग रहा है कि नहीं। जैसे पहले लोग जब कोई काम देते थे घर भर में तो कहते थे चित लगा के करो। जहां चित है वहां चैतन्य है, इन दोनों का इतना प्यारा संबंध है। तो जब तुमने साइकिलिंग शुरू की तो चित तुम्हारा साइकिलिंग में है, क्योंकि खतरा है ना, गिर जाओगे, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। तो जहां भी खतरा होता है, जैसे मान लो कुएं के ऊपर एक पतली सी लकड़ी रखी है, उस पर चलना है, तो देखो तुम्हारा चित वहीं पर रहेगा। एक्सपेरिमेंट करके देखो। जैसे यहां मुझे गिरने का डर नहीं है, लेकिन वहां अगर पतली सी लकड़ी रखी हुई है कुएं के बीच में, तो चित जहां भी खतरा है वहां चित तुम्हारे साथ रहेगा, तब नहीं भागेगा। शमशान में देखो, भाग ही नहीं सकता। कभी चित को अपने देखना हो, चैतन्य को, तो कब्रिस्तान में चले आओ रात में, फिर इससे कहो जाओ घूम के आओ। वो जो प्रिया बचपन में साथ में पढ़ती थी उसके बारे में कुछ सोचो, कहेगा पागल हो गए, अभी कोई निकल आएगा अंदर से। तो तुम्हारी दिक्कत क्या है ना, तुम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हो। गांधी जी ने कितनी अच्छी टाइटल लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तुम प्रयोग करते ही नहीं। तुम किसी दिन रात में चले आओ कब्रिस्तान में और अपने मन से कहो कि बेटा उलझ, और उलझ जाए तो मुझे बताना। अगर उलझ जाए तो मुझे बताना, उलझेगा ही नहीं, खतरा है ना। जहां खतरा है वहां चित तुम्हारे साथ है। कब्रिस्तान में भाग ही नहीं सकता, और अगर कब्रिस्तान में भाग रहा है तो या तो तुम पागल हो। नहीं भागेगा, रात में जाओ 2 बजे। इतनी कहानियां हैं कब्रिस्तान की। तो लेकिन जैसे ही तुमने, अब देखो एक बात, जैसे ही तुमने साइकिलिंग सीख ली, जब सीख रहे थे तो बड़े अटेंटिव थे, जब सीख ली साइकिल चलाना आ गया, अब नहीं गिरते, तब साइकिल चल रही है, चित कहीं और है, लेके गए खोस दिए ट्रक में,
लोगों ने कहा इतना बड़ा ट्रक, कहे भैया पता नहीं दिमाग कहां था, कहते नहीं लोग। यही ध्यान है, जब तक सीखे तब तक तो साथ में था, क्योंकि जहां खतरा है वहां वो भागेगा नहीं। लेकिन जिस दिन तुमने सीख लिया, उस दिन साइकिल तो चल रही है कि कहीं और है। यही हाल तुम्हारा पढ़ाई के साथ होता है। किताब तो खुली होती है, तुम बकबका भी रहे होते हो, पर कुछ जा नहीं रहा होता है अंदर। यह तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है, और उस पर तुम फोन ले आए हो। इतनी बड़ी दिक्कत के साथ तुम फोन ले आए हो, उसको बगल में रखे हो, दो दिन इंटरनेट बंद रहा होगा इलाहाबाद में, कितना सुकून महसूस हुआ होगा तुमको। परेशानी नहीं, बेचैनी। हाँ, परेशानी नहीं हुई होगी। अब डेली ऐसी घटनाएं तो घट नहीं सकती कि हाँ भगवान तुम्हारे लिए डेली ऐसी घटना कराए। अब वो हो गई, एक आध हो गई तो हो गई, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया उस घटना ने। उस घटना का एक और पहलू है, समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए जब ताकत में रहो तो शांत रहो, सरल रहो। ना तुम्हारा रसूख काम आता है, जब समय बिगड़ता है ना, अच्छा हुआ या बुरा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं कोई भगवान हूं जो मैं उसको डिसाइड करूं अच्छा था कि बुरा था, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन देखो, सत्ता रसूख पैसा, जब समय विपरीत होता है ना, बस सब फेल कर जाता है सब। वो तीनों कह रहे हैं कि हमको नाम कमाना था, सिट वाले रिमांड पे इंक्वायरी कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं हमको हमको यूपी का माफिया बनना है। उसमें एक तो 18 साल का है अरुण मौर्य, लेकिन खैर वो तो अलग घटना है। तो ये चीज है कि तुम्हें देखना है कि तुम्हारा चित जो है वो तुम्हारा लग रहा है अपने काम में कि नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो उसमें तुम्हें बड़े अच्छे रिजल्ट देगा, वो नहीं लग रहा है तो काम होता रहेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। डर, तभी तो मां बाप स्कूल भेजते थे उसी सिद्धांत पर जिसकी तुम बात कर रहे हो। बचपन उसी में तो बीता कि या तो टीचर फुटबॉल बना देगा और या बाप बना देगा। डर, अब उस डर ने क्या किया? अब हां, बहुत बढ़िया बात तुमने कही, वो जो 15 साल डर में बीता टीचर का और बाप का, उस डर ने ग्रेजुएशन नहीं आते ही बिंदाज बना दिया कि अब मारो। तो वो डर कितना नेगेटिव बन गया बाद में। और जैसे जैसे तुम समाज से कटते चले जाओगे, फिर देखना तुम्हारा दिमाग कैसे तुमको पलट कर दिखाता है कि शक्ति क्या चीज होती है। और बताओ, ध्यान करना ही नहीं, ध्यान देना है, ध्यान करना थोड़ी है, ध्यान देना है। ध्यान देना इस तरह से होता है कि तुम अपने कमरे से निकले, चाय की दुकान पे पहुंचे, वहां 4 घंटे खड़े हो। तो बहुत लोग फोन किए, मैसेज किया, अरे भैया अतीक अहमद जी की हत्या हो गई, और आपका क्या विचार है? मैंने कोई विचार नहीं, मैंने उनका नाम सुना था ना, व्यक्तिगत तौर पे मैं उन्हें जानता हूं, ना मेरा कोई परिचय था, ना मैं कभी मिला, ना मेरा उनसे बिजनेस मैटर था, ना मेरी पार्टी के थे, कुछ था ही नहीं मेरा। मानवता के नाते किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो राम, प्रभु राम ने सिखाया कि रावण को भी मरे तो वो गए, रावण को मुक्ति दी और रावण के साथ अच्छा व्यवहार किया, ये हमने रामचरितमानस से सीखा है। तो मानवता के नाते किसी की भी मृत्यु होगी तो दुख तो होगा ही कि भाई भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, बस बात खत्म। जब आदमी मर गया फिर उससे कोई वैर भाव नहीं होता, जब मिट्टी हो गई ना, तो कोई तो ध्यान देना है। अब तुम निकले घर से चाय पीने, 4 घंटा वहीं खड़े हो, फिर सूटरवा जो आए थे, क्या मतलब है तुमको? क्या मतलब है? सब कुछ जान जाओगे, किसने मारा, क्यों मारा, कहां है शाइस्ता, हम बताएंगे। चलो क्या करोगे ये सब जानकर? तो ये जो बुद्धि तुम लगा रहे हो यही तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। ध्यान तुम्हें इससे बाहर निकालेगा। ध्यान मतलब रोशनी, जहां भी तुम उलझोगे वो तुरंत ठोकेगा तुम्हें, भैया ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। उस ध्यान देने की प्रक्रिया ध्यान करने से शुरू होती है। अब इसको समझ लो, ध्यान देने की प्रक्रिया ध्यान करने से शुरू होती है। सुबह उठे, पट्टी बांधी आंख में, आधा घंटा बस, 10 मिनट,
अब तुम्हारा दिमाग है और तुमको बैठने नहीं दे रहा है। 10 मिनट तुमने अपने दिमाग से कहा कि भाई 10 मिनट बैठ जाऊं, उसने कहा क्यों, ध्यान करने से क्या होता है? अरे तुमने कुछ नहीं, थोड़ा मजा ले लें अकेले बैठ के, और तुमको 10 मिनट नहीं बैठने दे रहा है। शुरुआत हमेशा 10 मिनट से करना। तो जो दिमाग 10 मिनट शांति से नहीं बैठ पा रहा है वो इस किताब को समझेगा पढ़ते वक्त? रहेगा ही नहीं तुम्हारे साथ, रहेगा ही नहीं। ये जो सी इक्वल टू सी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसकी वजह से कुछ लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं, अरबों रुपए, अरबों। तो ध्यान देना है, अपने आप को देखना है कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी क्या कर रहा हूं। अब एक स्त्री तुम्हारे सामने से गुजरी, ठीक, अब स्त्रियां गुजरेंगी अगल बगल, अब ढोंगी नहीं होना है कि मैं स्त्री नहीं देखता, ये सब फालतू की बातें हैं। देखो ध्यान तुम्हारी कैसे मदद करेगा। अब स्त्री तुम्हारे सामने से निकली, देख लो, अब दो तरह के थॉट आए तुम्हारे। एक थॉट आए कि अगर ये मेरे साथ हो जाए, मिल जाए, आया तो जैसा थॉट वैसा हार्मोन, एक थॉट आया तुम्हारा। दूसरा थॉट आया कि यार दुर्गा जी की तरह लग रही, कितनी सुंदर लग रही यार। देखा तुमने दोनों तरीके से, भाव अलग अलग थे। तो पहले भाव ने तुमको कमजोर किया और दूसरे भाव ने तुमको मजबूत किया। यह है ध्यान, तुम्हारे भावों को जो चेक करना तुम्हें सिखा दे, यह है ध्यान, जो तुम्हें सिखा दे कि देखो भाव, देखो उल्टा सीधा भाव। और दिन में अगर 10 बार नेगेटिव भाव आया तो तुम 10 बार कमजोर हुए कि नहीं हुए? यह है ध्यान। लेकिन ध्यान देने के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान करना पड़ता है। ध्यान जो जागृत व्यक्ति है, ध्यान तो दोनों विचार उठेंगे। सर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने मुझे 1000 रुपए उधार दे रखे हैं, 1 लाख मान लो, और आपने मुझे फोन किया, मैंने नहीं उठाया। अब एक विचार आएगा पॉजिटिव कि बेचारे का फोन खराब होगा, तो वो विचार, और दूसरा विचार आएगा कि देखो देखो पैतरा दे रहा है, फोन नहीं उठा रहा है। और दोनों विचार हैं, एक विचार आने से आपको फायदा, मुझे फायदा नहीं है, आपको फायदा, आप प्रसन्न है कि नहीं नहीं बेचारे का फोन खराब होगा, आवाज नहीं सुन पा रहा होगा, या हो सकता है लूज मोशन शुरू हो गया हो, बाथरूम में बैठा हो, इससे आप ही को फायदा होगा। और नेगेटिव विचार आ गया कि देखो डील कर रहा है, इससे आपको नुकसान होगा। विचार या तो आपको फायदा देगा या नुकसान देगा। वो जो आदमी ने आपका पैसा ले रखा है ना, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए कोई कुछ लोग मदद भी करते हैं और परेशानी भी खरीदते हैं। अब कोई रिश्तेदार आया 50,000 रुपए ले गया कि यार बेटे की शादी, भाई दे दो, आपने दे दिया, उसने कहा 6 महीने में दे देंगे, दिसंबर में दे देंगे, आपने ये नहीं पूछा कि दिसंबर 20 की 21 कि 22, उसने कहा नहीं दिसंबर में दे देंगे। जब भी किसी को पैसा दे उससे डेट और टाइम, साल, डेट और साल दोनों कंफर्म कर ले। कुछ लोग महीने बता जाते हैं कि भैया वो दिसंबर आ रहा है, दिसंबर में दे देंगे। अब ये थोड़ी कहें 2021 में देंगे, कहेंगे दिसंबर कहे थे। इस देश में किसी से संबंध खराब करना, उसको पैसा उधार दे दो, 80% लोग टाइम पर पैसा देते ही नहीं, 80। और जब तुम उनको फोन मिलाओगे वो खुद ही फोन उठा के बोलेंगे दिस नेटवर्क इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। और अगर सड़क पे मिल गए, आपने कहा कि यार तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, कहीं भागे जा रहे हैं, तुम्हारा पैसा लेके भागे जा रहे हैं। अरे भागे नहीं जा रहे हो तो टाइम दियो तो बताओ, दो 50,000 रुपए तकादा कर रहे हो, चौधरी के घर से है तो चौधरी के घर से हो तो उधार लिए ही क्यों भाई। पान का जो बिजनेस करते हैं, छोटे मोटे व्यवसायी हैं, आपने वहां 4,000 रुपए का पान खा लिया, सिगरेट पी ली, और बेचारा किसी दिन पूछ रहा है, उसको आप दो डंडा घुमा के मार रहे हैं। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, यह बड़ा अपराध है। अब तुमने तो दया करके 50,000 दिया कि हमारे दोस्त के रिश्तेदार की बहन की शादी हो जाए, पैसा भी गया, रिश्तेदारी भी गई, दोस्ती भी गई, और तुम बुरे भी बने।
इसलिए मनी लेंडिंग का जो काम है वो सबके बस की बात का नहीं है। मैंने पिछली सीरीज में आपको बताया था, हर मुद्दे पर दो विचार आएंगे। अगर आपने अब वही पर आप कौन सा विचार पकड़ोगे ये आपका भविष्य निर्धारित करेगा। सर ये सबके साथ होता है सर, यही यही ध्यान है। यही आप बार बार पूछते हो ध्यान क्यों करें, क्योंकि तो विचार दोनों उठेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो पकड़ोगे वही भाग्य। जी स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूं, पेरिस में थे, पेरिस में गीता सारी धार्मिक ग्रंथ रखी हुई थी, सबसे नीचे गीता रखी थी, तो एक प्रीस्ट ने उनसे कहा कि स्वामी जी गीता की कंडीशन देख रहे हैं, सबसे नीचे है। बोले आप समझ नहीं पाए, आधार है, आधार न्यू बेस हटा दोगे तो बाकी सारी किताबें गिर जाएंगी। बेचारे सर झुका के चले गए। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आर्मी भेजने की जरूरत ही नहीं सर, पर इस देश को कभी कभी ये देश दिशाविहीन हो जाता है। डायरेक्शन एंड डी इज इक्वल टू डी, डायरेक्शन इज इक्वल टू डेस्टिनी। जिंदगी में दिशा इतनी महत्वपूर्ण है उतना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। अर्जुन जो महाभारत के युद्ध जीत रहा है अपनी बहादुरी की वजह से नहीं जीत रहा, अपने शस्त्र अस्त्र की वजह से नहीं, डायरेक्शन। जो आदमी दिशा दे रहा है जबरदस्त दिशा देने वाला आदमी है।